1972 में सत्यजीत राय की एक फेमस मूवी प्रतिद्वंदी, जिसमें एक आदमी इंटरव्यू दे रहा था और जब उससे पूछा गया उसके लाइफ गेम के बारे में तो उसने आंसर दिया टू फाइंड अ जॉब, और मजे की बात ही स्टिल गॉट रिजेक्टेड। तो क्या ऐसा ही कंडीशन इंडिया में भी है? इंडिया में जॉब क्राइसिस जैसा दिख रहा उससे बहुत ज्यादा सीरियस है। अकेले 2021 में 65,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हुए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था, बट लास्ट 6 महीने में 13,000 लोग अपने जॉब से फायर कर दिए गए और लास्ट ईयर तक ये नंबर 60,000 तक जा सकता है, जो कि कंडीशन के सीरियसनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। साल 2014 में स्कीम मेक इन इंडिया, जिसका एम तो 2022 तक 10 करोड़ से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का, वो भी बुरी तरह फेल हो गया। CMI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 5 करोड़ से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में दे रही थी, जो कि इंक्रीज होने के बजाय घट के आज 3 करोड़ से भी कम हो गई हैं, जो कि 10 करोड़ से तो काफी दूर है, जो कि दिखाता है मेड इन इंडिया स्कीम कितनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है। द कूलेस्ट थिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इज एवरी डे इज सैटरडे, शायद इसलिए भी पब्लिक ने भी इस गाने को भर भर के सपोर्ट किया। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। आज हमारा इकोनॉमी तो तेजी से ग्रो कर रहा है, बट जब अनएम्प्लॉयमेंट 8% तक पहुंच जाए तो मन में एक सवाल तो आता है, हमारे देश के युवाओं का क्या? 1 महीने बाद हमारे देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे, बट जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, क्योंकि वो 1947 में 3.6% था, जो कि आज बढ़ के 3.9% हो गया है, ये दिखाता है किसी सरकार ने कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए किया नहीं है, बस सभी ने अपना उल्लू सीधा किया है। इसीलिए वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज देयर द ओनली वे वी कैन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने हाथ और पैर दोनों ही उठा लिए। तो घड़ी की सुई फिर आके वहीं रुकती है, भैया रोजगार का क्या? तो देखो यार, इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, मैंने 3 पॉइंट चुने जो कि मुझको इम्पोर्टेंट लगे। पहला, कंपनी को इंसिस्ट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को, क्योंकि आज इंडिया में अनस्किल लेबर इजिली अवेलेबल है, वो भी मिनिमम वेज रेट पे। तो इससे ना केवल कंपनी को फायदा होगा बल्कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। सेकंड, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। आज हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है, जिसको कम करने के लिए सिंपल सा वे है प्रोडक्शन बढ़ा देना, जिससे ना केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा बल्कि प्रोडक्शन बढ़ने से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। थर्ड, पॉपुलेशन। आज इंडिया में पॉपुलेशन 140 करोड़ टच कर गई है और इस मामले में हम चाइना को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सबको पता है ये एक प्रॉब्लम है, और अगर हम ऐसे ही बढ़ते गए तो इंडिया की कंडीशन इससे भी ज्यादा वॉर्स हो सकती है, और इसके बारे में इमेजिन करके हमें डर लगता है।